बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम्स और चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के हम पहले तीन क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में है कि हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। कुछ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर वन, इसके तकरीबन चार पार्ट्स हैं जिसमें से मैं दो या तीन पार्ट्स आपको सॉल्व कराऊंगा और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आयोटा पावर 9, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, इसका आइडिया मैंने आपको यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखें, मैंने आपसे ये एक बात की थी कि सिंप्लीफिकेशन जब भी आपके पास आए कोई इमेजिनरी नंबर हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको इमेजिनरी नंबर भी कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट आपको जीरो नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आपने करना हो तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से चले मैं सॉल्व करता हूँ कि इसको मैं लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और बाकी कितनी पावर रह गई है, मतलब कि 2 अगर ये हो गया तो बाकी मैं लिख देता हूँ आयोटा पावर 7, ठीक है। यूं लिख सकते हैं ना हम इसको, आयोटा स्क्वायर मैंने लहदा कर दिया, इनके स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब ये भी आयोटा 7, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि मैं इसे लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 2, ठीक है। और बाकी इसमें से कितने रह गए, आयोटा पावर 5। अब इसको आप पावर्स को सम करके देख सकते हैं, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, ठीक है। आयोटा पावर 9 को ही हम लेकर चल रहे हैं। तो आगे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोबारा से मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर आ गया, इसको मैं आयोटा लिख दूं, 2 लग रहा है इस वक्त। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, अब इस आयोटा पावर 5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू, बाकी कितनी पावर रह जाएगी अगर 5 में से 2 निकाल दिया जाए, तो आयोटा क्यूब बचता है, ठीक है। ये आयोटा क्यूब आ गया। आगे मजीद हम इसको एक और दफ़ा हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू जो भी बाकी पावर बचेगी, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर एज इट इज इंटू आयोटा स्क्वायर एज इट इज इंटू ये वाला आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और ये आयोटा क्यूब मौजूद है, इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि आयोटा स्क्वायर इसको मैंने लिखा और साथ में कितनी पावर आएगी, 3 में से 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दी और एक पावर रहेगी थी, तो इसको अलहदा से आयोटा पावर 1 या सिर्फ आयोटा भी आप इसे कह सकते हैं, तो अलहदा लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की होती है। क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब इसका स्क्वायर लिया जाता है दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है जो कि आती है -1, ठीक है। तो वो वैल्यू अब यहाँ पर हम यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, ये -1 इसकी जगह हम यूज करते हैं, इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा, और इसी तरह से इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा। तो जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू जो है -1 यूज की, ठीक है। उसके बाद आयोटा जो सिंपल आया है उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं लिखता, उसको सिंपली मैं आयोटा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये -1 जितने भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, -(-) इज प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, या फिर मैं इधर लिख देता हूँ, ये +1 बन जाता है इसके प्रोडक्ट से, ठीक है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी +1 बन जाता है, और आयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब ये सब के सब पॉजिटिव हो चुके हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा, या फिर +1 × +1 = +1, ठीक है, और +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ जाता है आपके। ये मैंने एक एक स्टेप करके, यानी कि बहुत सिंपल से स्टेप्स में इसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब यहां से मैं आपको बताता हूं एक और तरीका आपके पास क्या है, कि देखें ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था ना आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, इसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से इसको रिप्लेस किया। अब इस स्टेप के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4,
ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि टू, सपोज मैं कोई एक डिजिट ले लेता हूँ, चले थ्री ले लेते हैं, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। एक तो तरीका ये है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें, थ्री इंटू थ्री नाइन आता है, उसके बाद नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 27 आता है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते रहें, ये तब जाके आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, वो जो भी आएगा, ठीक है। अब एक और तरीका क्या होता है कि आप काउंट कर लें कितनी दफा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 पावर हम 7 लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर मैंने क्या किया कि आयोटा स्क्वेयर की पावर मैंने क्या लिख दी, 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में आयोटा मौजूद है, तो उसको भी मैं साथ में इसी तरह से आयोटा लिख देता हूँ। अच्छा, अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम -1 लिखते हैं और उसकी पावर क्या बन रही है, 4, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब -1 की पावर 4 क्या होता है, -1 की पावर 4 पॉजिटिव जब भी इवन पावर हो, ठीक है, अंदर बेशक आपके पास नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, अगर आप पावर को देखें तो वो जब भी इवन हो तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कि ये -1 जो है +1 बन जाएगा, +1 इंटू आयोटा, और +1 इंटू आयोटा हो गया, और ये रिजल्ट में आपके पास यहाँ से भी आयोटा आ चुका है, ठीक है। तो मतलब कि आप जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मेरा मकसद यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना था कि इसको सिंप्लीफाई आपने किस तरह से करना है, ठीक है, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू को किस तरह से आपने यूज़ करना है, और हम ये भी यहाँ पर इसका मकसद समझ आया था कि हम आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में क्यों लेकर जाते हैं, ये इसलिए हम लेकर जाते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू ही हमें पता है, आयोटा स्क्वेयर जो कि इक्वल होता है -1 के, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं जब हम आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी जो भी एक्सप्रेशन या नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो चलें था पार्ट नंबर 1, एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर मैं करता हूं इसका सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, आयोटा पावर 14, आयोटा पावर 14 है अब, ठीक है, पावर 14 हो गया, यानी कि अब हम इसको दोबारा से 2 की पावर में उसी तरह से मैं लिख के लेकर जाऊं तो फिर एंड पे जाके रिजल्ट लिखूं, मैं यहां पर डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। डायरेक्ट किस तरह से, मतलब कि मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वेयर की पावर मैं क्या लिखूं कि 14 के करीब करीब पहुंचे या 14 ही बन जाए, देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 14 आता है, 7 आता है ना, तो 7 इंटू 2 इज़ 14, यानी कि आयोटा स्क्वेयर की पावर 7 जो है आप इसे कह सकते हैं आयोटा पावर 14 के इक्वल है ये, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आयोटा पावर 14 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर पावर 7। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू तो हमें पता था, ठीक है, जो कि -1 होती है, चले -1 मैं उसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, उसके बाद 7 पावर उसी तरह से रहेगी और -1 की पावर अब ये बन चुकी है 7, और -1 की पावर 7, 7 अब देखें ऑड है या इवन है, पावर को आपने इस तरह से देखना है, ठीक है, ऑड है या इवन है, ऑड है तो साइन वही रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, अब इस केस में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा अगर पावर ऑड है, तो इवन हो तो पावर बेशक पॉजिटिव हो या ऑड या नेगेटिव हो तो रिजल्ट में आपके पास पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो यानी कि इसका रिजल्ट आ चुका है हमारे पास -1। अच्छा, अब हम इसका एक और पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चले मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि वो भी उसी टाइप का है। तो मैं लिख रहा हूँ जी थर्ड पार्ट इसका जो कि है -iota की पावर है 19, ठीक है। अब तो ये डायरेक्ट उसकी पावर नहीं लिखी हुई बल्कि हमें लिखी दिया नेगेटिव ऑफ आयोटा की पावर हमें दी हुई है 19। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ तो माइनस साइन आ गया और पावर जो है वो नेगेटिव की भी है आयोटा की भी है, देखें अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि पावर इन दोनों की है, मतलब नेगेटिव माइनस को आप कंसिडर कर सकते हैं -1, ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये -1 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना -1 इंटू आयोटा, ठीक है, और उसकी होल पावर आप कह लें कि 19 है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है,
अच्छा चलें, इस तरह से लिखने का मेरा मकसद क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, या आपको अभी खुद से समझ आ जाएगी कि ये माइनस साइन को मैं अलहदा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दो जो कोई भी नंबर्स हों या कोई भी वैल्यूज़ हों, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, या दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी होल पावर सेम है, तो हम उनको अलहदा अलहदा उसी पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर भी 19, और साथ में इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या फिर साइन आप ना लगाएं तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यानी कि -1 पावर 19 हमने लिख लिया इंटू आयोटा पावर 19। अब इससे हमें क्या होगा कि मैंने नेगेटिव साइन को अलहदा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये इस तरह सिंप्लीफाई होगा कि -1 अब आपके पास आ चुका है, उसकी पावर 19 है, तो आप ये देखें कि पावर जो है वो ऑड है या इवन है। 19 जो है वो ऑड है, ठीक है, तो यानी कि जो साइन ब्रैकेट के अंदर है वही साइन रहेगा, तो हम इसको -1 ही रखेंगे। ठीक है, -1 की पावर 19 क्या होगा, उसका रिजल्ट आ चुका है -1। अच्छा, अब हमने सॉल्व करना है आयोटा पावर 19 को, और आयोटा पावर 19 को किस तरह से सॉल्व करना है, जिस तरह से ऊपर हम जो है क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 14 को हमने जिस तरह से सॉल्व किया, चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा -1 एज इट इज, और आयोटा जो है आयोटा स्क्वेयर की पावर मैं क्या लिखूं कि 19 बन जाए, या फिर 19 के करीब करीब एक कम हो जाए। ठीक है, एक कम हो जाए तो हम देखें, 8 अगर मैं लिखता हूँ पावर तो क्या होता है, 8 2 16 होता है, मतलब कि ये बहुत ही कम है, एक कम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 9, यानी कि आयोटा स्क्वेयर पावर 9, 9 2 18 बनता है, यानी कि एक कम हो गया। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, सपोज मैं पावर को 10 कर देता हूँ, तो 10 2 20 बन जाता है, यानी कि 19 से बड़ा हो गया। 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता तो कम बेशक हो जाए, तो हम यहां पर 9 ही लिखेंगे, यानी कि आयोटा स्क्वेयर पावर 9। ठीक है, तो आयोटा स्क्वेयर पावर 9 हो गया, जो कि बनता है 18, और फिर एक पावर बच गया, यानी कि हमें एक और मजीद आयोटा चाहिए ताकि पावर 19 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर पावर 9 18 इंटू 1 जो है वो आपके पास आयोटा पावर 1 जो है वो पूरा 19 बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये -1 एज इट इज, और आयोटा स्क्वेयर को भी हम -1 की फॉर्म में लिखेंगे, और पावर 9 है साथ में आयोटा एज इट इज, और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 इंटू। अब यहाँ से आप दोबारा से ये देख सकते हैं कि नेगेटिव की पावर, यानी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीज़ को आप रहने दें। आप पावर देखें ऑड है या इवन है, ऑड है तो जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि -1 की पावर 9 जो है उसका रिजल्ट भी -1 ही आएगा। अब हमारे इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +1 बना देंगे, ठीक है, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आयोटा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो है, मतलब कि -iota पावर 19 का रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल टू आयोटा आया है। तो ये थी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है 4, चले मैं उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप वो खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में है -1 की पावर हमें दी हुई है -21/2। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है कि -1 आपको पता है कि आयोटा होता है, आयोटा स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो यानी कि -1 हम इसको देखें, अब इसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो अब हम पावर फ्रैक्शन में तो नहीं फाइंड कर सकते, मतलब अगर मैं किसी चीज़ की पावर फ्रैक्शन में लिख दूँ तो उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाएगी। अब हम इसका आसान तरीका ये है कि -1 की हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है, मतलब कि -1 किसके इक्वल होता है, या -1 किसकी वैल्यू होती है, वो आयोटा स्क्वेयर की होती है। तो आयोटा स्क्वेयर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, उसकी पावर क्या बन जाएगी, -21/2, ऑलरेडी मौजूद है जो -21/2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 और -21/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाता है, आयोटा पावर -21।
अच्छा, जब ये हमारे पास आयोटा पावर -21 आ गया, तो अब आपके पास पावर नेगेटिव है, ये डिजिट नेगेटिव नहीं है, ये नंबर नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है। पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है वो आप पहले भी पढ़ते आए हैं, किस तरह से पावर को पॉजिटिव बनाया जाता है। 1 ओवर करके लिखें, 1 ओवर आयोटा पावर 21 बन जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, जिस तरह से हम पहले सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन है, जिस तरह से यानी कि हमें जो है ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हमें कुछ फॉर्म्स गिवन थी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे, उनको हमने सिंप्लीफाई किया। अब उससे ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे ऑपोजिट कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें गिवन है, हमने उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। सपोज मैं कहता हूँ पहला पार्ट इसका जो है, या फिर क्वेश्चन पहले मैं लिख दूँ, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, ठीक है, यानी कि हमारे जो रिजल्ट में आयोटा आना चाहिए। तो पहला पार्ट मैं यहां से लिखता हूं, पहले पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास रिजल्ट में आयोटा आए। देखें, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 आपको ऑलरेडी पता है कि वो आयोटा की इक्वल होता है, तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा को, ठीक है। तो आयोटा इंटू बी बन जाएगा, तो ये आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। ये तो यानी कि बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था पार्ट नंबर 1। इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं इसके, के सेकेंड पार्ट चलें, सेकेंड पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में है स्क्वेयर रूट ऑफ -5। अब इसमें किस तरह से हम आयोटा लेके आए, यहाँ तो -1 नहीं है, ये तो -5 है, तो किस तरह से हम इसको यानी कि आयोटा की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। देखें, बहुत ही सिंपल है कि इसमें -5 को आप अगर लिखें -1 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, -1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट में -5 ही आता है। तो यानी कि हम लिख लेते हैं -5 को -1 इंटू 5, और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको एज इट इज हम उतार लेते हैं। अच्छा, इस तरह से लिखने का हमें फायदा क्या होगा कि अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि अगर दो वैल्यूज हो, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 इंटू 3, या फिर आप कहें कि चलें हम जनरल ले लेते हैं कि ए इंटू बी, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर स्क्वेयर रूट भी मौजूद है, स्क्वेयर रूट भी मौजूद है, तो हम उनको अलहदा अलहदा स्क्वेयर रूट्स में लिख सकते हैं, मतलब कि स्क्वेयर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट ऑफ बी, ठीक है, इस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसी तरह से मैं इनको अलहदा अलहदा स्क्वेयर रूट्स में लिखूंगा, ठीक है। तो वो बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ठीक है, -1 अलहदा से हो गया और 5 भी अलहदा से, और दोनों के ऊपर स्क्वेयर रूट थे तो मैंने अलहदा अलहदा उनके ऊपर स्क्वेयर रूट डाल दिया। अब इससे भी हमें क्या फ़ायदा होगा, देखें, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 की फॉर्म में मैंने लेके आना था, क्योंकि आयोटा की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है ना, हमें क्वेश्चन में कहा गया राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, जो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट में आयोटा आना चाहिए। तो आयोटा कब आएगा, जब हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ -1 की टर्म मौजूद होगी। तो मैंने यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ -1 की टर्म बनाई है, तो इसकी जगह मैं अब आयोटा यूज़ करूँगा, आयोटा लिख देता हूँ इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि स्क्वेयर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है जिसमें आयोटा मौजूद है, यानी कि टर्म ऐसी है जिसमें आयोटा मौजूद है, इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अच्छा, ये तो सेकंड पार्ट था, इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स भी हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें क्वेश्चन जो गिवन है -16, थोड़ा सा उससे यानी कि लेंथ ही आप कह लें, कॉम्प्लेक्स तो इतना नहीं है, स्क्वेयर रूट ऑफ जो है -16 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और हमें कहा गया कि इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, या हमने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए नेगेटिव साइन जब मौजूद है तो आप समझ लें कि हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा करते हैं कि -1 को मैं अलहदा लिखता हूँ, ठीक है, -1 इंटू 16 करूँगा, और डिवाइडेड बाय तो चलें हम 25 लिख ही देते हैं, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। बस सिर्फ मैंने क्या किया है, -16 को मैंने लिखा है -1 इंटू 16,
अब उसी तरह से जिस तरह पिछले पार्ट में हमने जो है सेपरेट किया था, हम सेपरेट कर लेते हैं, या पहले हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर लेते हैं। मतलब न्यूमरेटर के ऊपर मैं अलग से स्क्वेयर रूट डाल देता हूँ, -1 × 16 हमारे पास न्यूमरेटर है, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया, और डिनोमिनेटर को मैं अलग से स्क्वेयर रूट में लिख सकता हूँ 25, और स्क्वेयर रूट ऑफ 25। अच्छा, अब आगे मजीद हम क्या करेंगे, आगे मजीद यह करेंगे कि -1 और 16 को अलहदा करते हैं, मतलब कि -1 स्क्वेयर रूट × स्क्वेयर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 25। अब बहुत ही सिंपल हो चुका है, ठीक है। स्क्वेयर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा होता है। स्क्वेयर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है, ये 4 बन गया। और स्क्वेयर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5 होता है। मतलब कि हमारे पास रिजल्ट में आ गया 4/5 आयोटा। तो ये वो टर्म है कि जिसको हमने फाइंड करना था, मतलब कि आप कह लें कि हमने आयोटा की टर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन थी या नंबर हमें गिवन था। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, उस वो इससे तकरीबन रिलेटिवली आसान है, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 और 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस लेक्चर का टाइम कवर कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।